एक मिनट। ओह शिट, मुझे वापस जाना होगा यार। Now, خلاص, then, ओके देन, ओके देन, आई विल गो आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। When you reach, send in our group, when you reach home. Inshallah, I will. Love for the night. Allah Hafiz. शुक्रिया। आमीन आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अब निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से सुबह के 6:40 हो गए हैं और इंशाल्लाह यहाँ से सफ़र है कुछ 1,365 किलोमीटर्स मुकम्मल मेरे घर तक का, जो इंशाल्लाह आज कवर करना है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह खैरियत से पहुँचाए। रात के कुछ 11-12 बज जाएंगे, सफ़र ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है सारी कि यहाँ से रियाद जो है वो है 350-360 किलोमीटर्स है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद फिर खालम खाली है तो अबू धाबी तक, उसके बाद बीच में कुछ नहीं है, बस रमल है और रोड है और कुछ नहीं है। तो या रियाद है, उधर जाके मैं रुकूँ रात से करूँ या फिर जो आगे 1,000 किलोमीटर वो करूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई रियाद में मैं ऑलरेडी रुका, रियाद में रुकने का फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ से निकलते हैं सीधा इंशाल्लाह। इसलिए सुबह सुबह निकल आया हूँ, 6:40 हुए हैं, अब निकल आया हूँ यहाँ से, अब सीधा जाते हैं इंशाल्लाह घर अपने। रात के लेट पहुँचूँगा लेकिन यह पहुँच के रेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। ये इस सीरीज़ की इंशाल्लाह लास्ट वीडियो होगी। तो इधर से टैंकी फुल करवा लेते हैं और जो ब्लैडर है वो भी फुल करवा लेते हैं, अभी से ही फुल करवा के इंशाल्लाह निकलता हूँ, फिर देखते हैं अल्लाह खैर रखे रास्ते में। एक्सेप्ट मादा सर। हाँ पेट्रोल माफ़ी। ओके पेट्रोल माफ़ी हो गया जी, सऊदीया में पेट्रोल माफ़ी, सोचो यार। अच्छा जॉर्डन में जितनी सर्दी थी उसके मुकाबले में यहाँ तो अमेजिंग वेदर है। मैंने कोई लेयर नहीं नीचे पहनी, ठीक है, ऐसे ही आया हूँ, ग्लव्स भी नहीं आए मैंने, और 19 टेम्परेचर है यार, कमाल वेदर है, कमाल वेदर है। दिन में गर्मी होती जाएगी ऑफ कोर्स, लेकिन यह है कमाल वेदर है। जॉर्डन में तो तबीयत ख़राब होगी तो शदीद मेरी। 24700। ओके 700। हाँ बस ज़्यादा हो गया। एक मिनट। ओ शिट, मुझे वापस जाना होगा यार। लो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा निकल रहे हैं जी घर से। उसकी वजह ये है कि टायर में भूल गया था, अब टायर उठाया, अब मैं दोबारा से निकला हूँ। अब हो गए 7:30 पूरे मॉर्निंग के, और सफ़र इंतहाक है 1,364 किलोमीटर्स का सफ़र है जो अल्लाह को मंजूर। सोचा था 5 बजे मैं निकलूँगा सुबह, नमाज़ पढ़ के सीधे ही 6 बजे मैक्सिमम निकल जाऊंगा, लेकिन 7:30 यहीं हो गया। चलो कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा जैसे अल्लाह को मंजूर है। यार इतना ज़्यादा हवा का प्रेशर है, अभी मैं 180 पे जा रहा हूँ, स्पीड मैंने कम की है बात करने के लिए, इतना तेज़ हवा का प्रेशर है, सामने से कभी हवा आ रही है कभी राइट से आ रही है, तो ऐसे हो जाती गर्दन, हवा आती तो ऐसे हो जाती गर्दन, इतना प्रेशर आ रहा है कि मैं 120 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा। मेरा प्लान था 140 तक जाऊँ, 140 की स्पीड में जाऊँ, क्योंकि 1400 किलोमीटर मैंने सफ़र करना है। लेकिन यार क्या व्यू है, व्हाट अ व्यू है, व्हाट अमेजिंग व्यू है, ठीक है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जा ही नहीं पा रहा,
ये इतना शोर आ रहा होगा, बिना वॉइस में भी इतना ज़्यादा शोर आ रहा होगा इस टाइम बात करते हुए वीडियो में। आस्ता आस्ता जा रहे हैं, इंशाल्लाह पहुँचेंगे, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ देखते हैं पहुँचते हैं इंशाल्लाह। यही है, थोड़ा लेट हो चुका, अब यही है और कोई हल नहीं है, इट्स फाइन। अच्छा, ये जो मैं दो रातें इधर अलकसी में मैंने गुजारे, अलकसी में मैंने ये देखा है, और जो इमरान भाई ने मुझे बताया, थैंक यू सो मच फॉर इमरान भाई, उन्होंने मुझे दो रात अपने पास रखा, मेहमान नवाजी बड़ी ही इज्जत दी मुझे माशाल्लाह। उन्होंने मुझे बताया कि जो अलकसीम है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खजूर प्रोड्यूस करने वाली सिटी है पूरी दुनिया में, ठीक है। और मैंने देखा है खजूर ही खजूर के बाद अलकसीम के तरफ, तो मैं काफ़ी खुद तो 150-200 किलोमीटर अलकसीम से बाहर आ गया हूँ, फिर है ही खजूर के ही बागात है, टोटल खजूर ही खजूर है, सबसे ज़्यादा काम ही उधर खजूर के, और खजूर भी 1-7 नहीं, हर किस्म की खजूर मिलेगी, अजवा से लेके हर किस्म। अच्छा जी, इतनी को तेज हवा चल रही है ना कि गाड़ी संभाल ही नहीं जा रही, पता नहीं मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझे लगता है मैं सुबह में भी नहीं पहुंच सकूंगा, जितनी तेज़ हवा चल रही है। वो लाइट देखो वो कैसे हिल रही है, लेफ्ट राइट हो रही है, इस तरह तो मैं नहीं पहुंच सकता भाई, जो हालत है। लॉरी चेक पॉइंट आ गई है, चेक पोस्ट आ गई है, देखते हैं क्या कहते हैं चेक पोस्ट पे। अस्सलाम वालेकुम, हाँ दुबई, सॉरी शुक्रिया। पहली चेक पोस्ट ऐसी आई है जो मेरे पूरे सऊदी में, जॉर्डन में, कतर में, बहरीन में, जिसने मुझे कहा कि प्रॉपर मुझे मुल्किया मेरा देख के दुबई का, उसके बावजूद मुझे कहते हैं कि जनाब लाइसेंस भी चेक करा, उसने प्रॉपर लाइसेंस भी चेक किया, फिर उसके बाद ओके किया, उसने जगह दिया। यस, 38,000 का माइलस्टोन मैंने अचीव कर लिया है। मैंने जब स्टार्ट की थी ड्राइव फ्रॉम दुबई टू गल्फ स्टेट्स, तो मेरी 28,000 समथिंग किलोमीटर्स था, और अब हो गया 38। अभी भी मेरा कम से कम 500 किलोमीटर सफ़र बाकी है, जो मैं 10,000 का माइलस्टोन अचीव कर लूँगा ईजीली।
Assalamu alaikum. How are you? Good. Where do you come from? Huh? Long, long way. I started from Dubai to Qatar, Bahrain, Jordan. Now I'm going back. Finish. Back to Dubai. Yes. Yeah. This is Dubai number. We came from Qatar show. Ha, Qatar show, okay. No, I didn't go to a Qatar show. No. How many days? It's been 27, 28 days. Inshallah, let's go. Let's go. Okay. I also have to fill up. I have like 100 kilometers. I have to. Okay. Let's go. अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब कुछ क्लियर हो गया। बस अब ये लास्ट काउंटर होगा, इधर पर्ची देनी है और निकल जाना है। पासपोर्ट स्टैंप हो गया और एक चीज़ हो गई है, बस लास्ट काउंटर है। इधर से होके बस फिर सीधा रावल से। अस्सलाम वालेकुम। दुबई? हाँ। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। शुक्रन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्लियर हो गए यहाँ से। अब जनाब ये निकल आए हैं जी यहाँ से, वो बेचारे वेट कर रहे हैं मेरा। जनाब इसमें एक के पास GS है 1250, एक के पास है गोल्ड विंग, एक के पास वो छोटी सी गाड़ी है, पता नहीं क्या नाम है उसका। उसका एवरेज फ्यूल एवरेज ज़्यादा नहीं है, तो वो लगता है वो पेट्रोल पंप पे रुका है, पेट्रोल डलवाना है उसने, इसलिए पेट्रोल। वो बता रहा था कुछ अगर 160-170 रुपये जाता तो कुछ 120-140 किलोमीटर इतनी चलती है उसकी बाइक, इससे ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन भागती है यार, पूरा पैरा दिया उसने, सही भगाई है, नो डाउट।
ओके देन आई विल गो आल्सो ओके थैंक यू सो मच इंशाल्लाह आई विल बाय अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम भाई मैं जाऊंगा स्लो स्लो वो बहुत तेज़ जा रहे हैं 160 की स्पीड पे जा रहे हैं मेरी जो चेन है वो सही नहीं है मुझे डर रहे थे कहीं चेन फुल ना जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है और चेन की एडजस्टमेंट भी फुल हो गई है मज़ीद मैं तेज़ कर नहीं सकता इसलिए मैंने उनको अलविदा कह दिया मगर यार सॉरी मुझे निकलने दो मैं आप स्लोली स्लोली चला जाऊँगा Hi. Hello. My chain is not good. I'm going in 130, 120. Okay. All good? How is your father? Petrol. See, chain. Oh. Chain khalas. La. How dangerous. Show ya. चेन की हालत ख़त्म हो गई है चेन का एंड हो गया बिल्कुल यहाँ से भी चेन इधर भी एंड हो गई है बिल्कुल फुल हो गई है बिल्कुल जो फाइनल हो गई है जैसे और उसका चेन की हालत जो है बहुत ख़राब है ये इतनी होनी चाहिए ये बिल्कुल एंड हो गई है चेन अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँच गए हैं दुबई अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं बस सफ़र रह गया कुछ 30-35 किलोमीटर रह गया अपना घर यहाँ से इंशाल्लाह अच्छा भाई माशाल्लाह बाइक ने कोई मसला नहीं किया सारे रास्ते टायर का एक्सपेंस वो नॉर्मल है इंजन ऑयल चेंज करना वो नॉर्मल है चेन टाइट करना वो नॉर्मल है इस टाइम चेन जो है लटकू हो गई है चेन का एंड हो गया जिसके एडजस्टमेंट है वो भी आखिरी लास्ट 2 पॉइंट रह गए हैं उसमें कभी भी नहीं होती सेट क्योंकि जितनी लटक गई है ना अभी अल्लाह करे मुझे घर पहुंचा दे ट्रैवल स्टार्ट किया था ना उस टाइम मेरे किलोमीटर थे 28,000 कुछ 300 समथिंग थे कि 200 समथिंग थे मुझे कंफर्म नहीं है अब है 38,500 दैट मीन आई ड्रोव फॉर लाइक मोर देन 10,000 किलोमीटर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ज़बरदस्त चली है
मोर देन 10,000 किलोमीटर चला के लेकर आया हूँ गाड़ी को अल्हम्दुलिल्लाह। और बस घर पहुँच गए हैं 5 मिनट में, तो मैं अलविदा करता हूँ आप लोगों को। इंशाल्लाह ये सीरीज़ मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अब जब मैं नवी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा या कहीं और जाऊँगा तो इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।